रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। हालांकि रूसी सेना की ताकत के आगे यूक्रेन कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद यूक्रेन रूसी सेना को लगातार करारा जवाब दे रहा है, क्योंकि उसे नाटो देशों से मदद जो मिल रही है, हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। पिछले 22 दिनों से यूक्रेनी सेना रूस के साथ फाइट कर रही है और अब अमेरिका ने भी यूक्रेन को हथियार देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को क्या मदद देने का ऐलान किया है। समझेंगे कि अमेरिका ने कैसे मदद मुहैया कराई है। देखिए, $800 मिलियन का सबसे पहले तो पैकेज ही दे दिया, आर्थिक पैकेज दिया है, तो जाहिर है कि इकॉनमी थोड़ी सी स्ट्रांग होगी फिलहाल। हालांकि युद्ध के वक्त इकॉनमी की बात करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर पैसे रहते हैं तो जाहिर तौर पर मजबूती मिलती है किसी भी देश को। यूक्रेन को अमेरिकी मदद जो मिली है उसके तहत 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए गए हैं। तो देखिए, युद्ध में जो कुछ हथियार इस्तेमाल होंगे वो भी अमेरिका की ओर से मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा 9000 एंटी आर्मर सिस्टम भी दिए गए हैं, जिसे सैनिक युद्ध के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। 7000 स्मॉल आर्म्स भी मुहैया कराया गया है और 20 मिलियन राउंड्स भी दिए गए हैं। तो तमाम वो मदद है जो अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को मुहैया कराई है। अनमैंड एरियल सिस्टम भी दिया है, यूएवीज भी दी गई हैं। और ये मदद जो दी गई है यूक्रेन को अमेरिका की ओर से, जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। वो ग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो रशिया के सामने खड़ा हो सके, फाइट बैक कर सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।